मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारती। मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस सचिव डॉक्टर जया ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ दायर की है। इन दिनों गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ सरकार में रेवेन्यू और पासपोर्ट मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। याचिका में ये कहा गया है कि राजपूत प्रदेश के लिए खतरा है, तो आखिरकार उन्होंने याचिका क्यों दायर की है, देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। जया ठाकुर ने अपनी याचिका में ये कहा है कि गोविंद सिंह मेरी जमीन पर अपने भतीजे के माध्यम से अवैध खनन करवा रहे हैं। याचिका में उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्री गोविंद सिंह अपने रसूख का इस्तेमाल कर जमीन की घेराबंदी नहीं होने दे रहे हैं। याचिका में अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गई है, साथ ही जमीन की घेराबंदी करने की भी मांग की गई है। और याचिका में गोविंद सिंह के भतीजे रणजीत सिंह पर भी गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। याचिका की सुनवाई अदालत में की जाएगी। ये मामला सागर जिले के बंडा में काला पत्थर के अवैध खनन से संबंधित बताया जा रहा है और गोविंद राजपूत मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी रह चुके हैं और उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त 2002 में किया गया था और अब उनके खिलाफ मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव डॉक्टर जया ठाकुर ने एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत और उनके भतीजे पर अवैध खनन का इल्जाम लगाया जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।